हाय, मैं हूँ मनीषा जोशी फ्रॉम road2web.in। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फॉर्म। तो मैं फॉर्म के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो मैं आपको स्टार्ट में ही बता देती हूँ। तो फॉर्म के अंदर जो टॉपिक आने वाले हैं वो है इनपुट, कैसे नेम देते हैं इनपुट इनपुट के थ्रू, देन पासवर्ड, रेडियो बटन कैसे देते हैं, चेकबॉक्स कैसे देते हैं, सिलेक्ट बॉक्स या मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करते हैं फॉर्म में, फिर ऑप्शन कैसे देते हैं, ऑप्ट ग्रुप कैसे देते हैं। वैसे ही डेटा लिस्ट होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्म में, फिर फाइल कैसे अपलोड करते हैं, सबमिट बटन, रीसेट बटन, एक अलग से बटन करके एक फॉर्म में है वो कैसे अप्लाई करते हैं, देन फिल सेट कैसे देते हैं, लीजेंड क्या होता है फॉर्म में, और HTML फाइल के बहुत सारे नए इनपुट्स है वो मैं आपको फॉर्म में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है फॉर्म में ताकि आप सीख सको, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है। तो अगर आप न्यू हो तो मैं चाहूँगी कि आप सारी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें ये, ठीक है। और अगर वीडियो लेंथी होगी तो इसका सेकेंड पार्ट फॉर्म 2 करके दूसरे वीडियो में रहेगा। तो मैंने HTML5 के जो नए इनपुट है वो भी इस फॉर्म में ऐड किए हैं, ठीक है। अभी इसे फॉर्म कैसे बनाते हैं HTML में और कैसे अप्लाई करते हैं वो हम प्रैक्टिकली करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म में है फॉर्म का टैग देना, तो हम फॉर्म का टैग दे देते हैं एक, ठीक है। अभी फॉर्म में दो प्रॉपर्टीज है, वो है एक्शन और मेथड। मेथड एक्शन मतलब होता है जब हम एक फाइल सेव करते हैं तो वहाँ पे सेव का पाथ होता है एक, मतलब जैसे जैसे हम फाइल कोई भी एक फॉर्म फिल करने के बाद सेव पे या सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो एक जगह पे स्टोर होता है, तो वो .php करके फाइल होती है वहाँ पे स्टोर होता है, तो उसके लिए एक्शन उस स्टोर पाथ का नाम यहाँ पे डालना होता है एक्शन में। और दूसरा होता है मेथड, मतलब भेजने का वो फ्रेंड भेजने का मेथड क्या है। गेट और पोस्ट ऐसे दो मेथड है तो वो मेथड यूज होता है। तो बेसिकली ये PHP में यूज होता है। तो अभी आप HTML सीख रहे हो तो अभी आप इसे नहीं समझोगे ठीक से, तो जब PHP के लेक्चर्स होंगे तभी मैं इसको आपको अच्छे से एक्शन और मेथड के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले फॉर्म में हम स्टार्ट करेंगे नेम, नेम कैसे देते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले नेम लिखा रहता है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले एक लेबल टैग है वो देना है आपको। तो यहाँ पे मैं लेबल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लेबल लिखती हूँ नेम। देखिए लेबल लेना जरूरी नहीं है बट PHP में लेबल लेना जरूरी है, इसीलिए मैं अभी आपको लेबल से दिखाती हूँ, वरना फॉर्म में HTML फॉर्म में डायरेक्ट इनपुट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे टैक्स, तो लेबल दिया है नेम, और इनपुट हमेशा फॉर्म में इनपुट डाला ही जाता है। टाइप मतलब होता है कि ये जो नेम का टाइप है वो क्या है, तो टाइप यहाँ पे मैंने टैक्स दिया है। फिर यहाँ पे एक और नेम का प्रॉपर्टी आएगा, फिर आएगा वैल्यू। वैल्यू मतलब नेम क्या होता है, यहाँ पे नेम में आपको अच्छे से अभी नेक्स्ट इनपुट में सिखाने वाली हूँ। जब भी हम रेडियो बॉक्स या चेक बॉक्स करेंगे तभी मैं आपको नेम का मतलब समझाती हूँ। अभी यहाँ पे वैल्यू का मतलब होता है उस बॉक्स के अंदर वैल्यू देना, जैसे कि नेम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फुल नेम, फुल नेम करके सेव कर देती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे लेबल आ चुका है नेम और यहाँ पे फुल नेम आया है। तो फुल नेम देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आया है, ब्लैंक नहीं आया मेरा। ब्लैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू दिया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देती हूँ और सेव करती हूँ तो आप देखोगे ये खाली है, ब्लैंक है, राइट, ठीक है। अभी एक और चीज इसमें आई है वो है प्लेस होल्डर, तो ये नहीं है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होता है। प्लेस होल्डर यहाँ पे होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया फुल नेम और सेव किया, ये तो आप देखोगे ये कट नहीं होगा, ये प्लेस होल्डर है, मतलब ये उसी प्लेस पे रहेगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे कुछ भी लिखूं और बैक करूं तो वो उसी पे जगह पे, वो देखिए फुल नेम करके प्लेस होल्डर है तो वो उसी जगह पे है, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर का काम होता है। और वैल्यू मतलब होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देना कि आपका नेम लिखना है, तो नेम लिख दिया जैसे कि प्रिया लिख दिया या कुछ भी नेम दे दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं नेम के बाद आपको सिखाने वाली हूँ वो है पासवर्ड, एक पासवर्ड कैसे देते हैं। तो हम लेबल दे देते हैं सबसे पहले, तो मैं इतना लिखने के बदले इससे अच्छा मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ,
अभी मैं नेम की जगह यहाँ पे लिखने वाली हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो नेम के बाद हम पासवर्ड देते हैं, तो टैक्स के टाइप क्या हो जाएगा हमारा, पासवर्ड। अगर टैक्स है तो टैक्स रहता है, जब पासवर्ड लिखते हैं तो टाइप हो जाता है पासवर्ड। और यहाँ पे अगर आप नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो, और इसका वैल्यू भी दे सकते हो, और प्लेस होल्डर भी आप दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अभी मैं ब्लैंक रख रही हूँ और इसे सेव करती हूँ, तो आप देख सकोगे यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पासवर्ड का फॉर्मेट आ चुका है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेक दे देती हूँ, और दो ब्रेक दे देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया पासवर्ड। अभी मैं आपको यही कॉपी पेस्ट करके दूसरी चीज सिखाती हूँ, जेंडर दे देती हूँ यहाँ पे मैं, ताकि आपको रेडियो बटन पता चले। तो जेंडर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं और सेव कर देती हूँ। तो जेंडर के लिए अभी मैं यहाँ पे अगेन ब्रेक दे देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे ये, ठीक है। जेंडर में मैं यहाँ पे टाइप ले लेती हूँ टेक्स, क्योंकि मेरे को जेंडर जो है वो चाहिए मेल और फीमेल, ठीक है। जेंडर में मैं टेक्स दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं जेंडर में लेने वाली हूँ मेल एंड फीमेल। तो मैं एक और लेबल दूंगी, सॉरी मैं यही कॉपी पेस्ट करती हूँ, एक लेबल दे देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेंडर में मेल, और उसका मैं टाइप टैक्स ही रहेगा क्योंकि वो एक टैक्स है। यहाँ पे मैं आपको नेम का मतलब बताती हूँ। तो अभी मेल दिया है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं कोई भी एक नेम दे देती हूँ, बाय चांस जैसे कि नेम दे देती हूँ एक्स वाई जेड, और सेव करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फीमेल। ओके सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे रेडियो रहेगा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे रेडियो बटन आएगा, तो रेडियो मैं लिखने वाली हूँ, और यहाँ पे भी रेडियो लिखने वाली हूँ, ठीक है, रेडियो। हाँ, नेम यहाँ पे मैंने दोनों को नेम दिया है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अभी मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, तो आप देखोगे जेंडर में मुझे इनपुट नहीं चाहिए, तो जेंडर का सिर्फ लेबल चाहिए मुझे, तो ये इनपुट जो है यहाँ से मैं हटा दूंगी। तो जेंडर मैंने लेबल दिया है, और उसमें मैंने दो मेल और फीमेल का रेडियो बटन दिया है। तो रेडियो रेडियो किसके लिए काम आता है, ये देखिए। तो रेडियो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे मेल और फीमेल लिखा है, तो ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे नेम अगर नहीं देते एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, अगर हम नेम नहीं देंगे एक्स वाई जेड, या फिर इसे हटा देंगे दोनों को नेम वैल्यू को, और अभी सेव करेंगे, तो आप देखोगे दोनों सिलेक्ट हुए। दोनों सिलेक्ट इसके लिए हुए कि इनको नेम नहीं दिया है, अगर सेम नेम देते हैं तो कोई एक ही सिलेक्ट होता है, तो इसके लिए ये काम करता है नेम, ठीक है। इसके लिए नेम देना बहुत जरूरी है, तो मैंने इसे नेम दे दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो। फिर सेव करते हैं, तो आप देखोगे कि कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया रेडियो बटन। रेडियो बटन के बाद हम सीखने वाले हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कैसे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी यही मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं चेक बॉक्स को बता देती हूँ, बी आर टैग दे देती हूँ ताकि ब्रेक दे देती हूँ ताकि स्पेस आ जाए। चेक बॉक्स में मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया, समझो सब्जेक्ट डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट डाल देती हूँ। तो मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं हिंदी लिख देती हूँ एक सब्जेक्ट, और यहाँ पे इंग्लिश लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने नेम लेबल दे दिया। अभी इनपुट में यहाँ पे टाइप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स इसके लिए क्योंकि मुझे चेक बॉक्स चाहिए, मुझे वो राइट का टिक चाहिए। तो चेक बॉक्स कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और दोनों में टाइप सेम आएगा क्योंकि हम दोनों को इन दोनों को सिलेक्ट करना है इसके लिए। और मैं नेम भी सेम दे देती हूँ और सेव कर देती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए राइट दिख रहा है, तो दोनों में ये रेडियो बटन बोलते हैं इसे, और ये चेक बॉक्स, ये दोनों सिलेक्ट हो रहा है, दोनों सिलेक्ट हो रहा है एक साथ, राइट, क्योंकि मैंने
सेम नेम दिया है। अब देखिए ये चेकबॉक्स है सिलेक्शन के लिए, तो ये सिलेक्ट हो जाए तो हम एक चाहिए तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं, दो चाहिए तो दो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चेकबॉक्स का काम ये होता है। मैं यहाँ पे एक और ब्रेक देती हूँ ताकि अच्छा दिखे, अच्छे से फॉर्म जो है वो बेटर दिखे। ये देखिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मैसेज। टेक्स्ट एरिया क्या रहता है कि मतलब आपको ज्यादा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप मतलब एक लिमिट तक लिख सकते हो। तो टेक्स्ट एरिया मतलब ज्यादा स्पेस रहता है बॉक्स का, ज्यादा स्पेस मिलता है आपको और लिखने का। यहाँ पे लिख भी सकते हो बहुत सारा, बट वो देखो इस साइड उस साइड चला जाता है। तो टेक्स्ट एरिया में क्या है, आप प्रॉपरली एक अच्छे से, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लेबल दे दिया मैंने एक मैसेज करके। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देती हूँ ताकि फॉर्म अच्छे से दिखे। ओके अभी मैसेज दे दिया, यहाँ पे मैं वापस इनपुट डालती हूँ। तो इनपुट नहीं, सॉरी, इसमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आएगा, इनपुट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का एक टैग है वो डालते हैं। तो जब भी आपको ज्यादा टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट का एरिया का अलग से टैग होता है, तो उसमें आप इनपुट नहीं डालते हैं। तो अभी स्टार्ट सेव करती हूँ इसे, तो आप देखोगे कितना सारा स्पेस मिला है मुझे यहाँ पे लिखने के लिए, और सब दिख रहा है राइट। बाकी सब जगह पे आप नेम लिखोगे तो वो नहीं दिखेगा, वो लेफ्ट साइड राइट साइड चला जाएगा राइट। बट इसमें आपको इतना एरिया मिलता है, आप डिसाइड भी कर सकते हो कॉल्स और रो सिलेक्ट करके कि आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है ओके, तो अभी ये हो गया टेक्स्ट एरिया।